जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि इतनी सर्दी पड़ रही है तो सर्दी के मौसम में डायबिटिक पेशेंट को अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना है। तो एक तो ये है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए वो तो हमेशा मैं कहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स उन्होंने कम इस्तेमाल करने, और हमारे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हमारी रोटी गंदम में और ज़्यादा चावलों में ज़्यादा है। तो उसमें ये है कि आप अपने पोर्शंस कंट्रोल करें, जहाँ आप दो रोटी खाती है एक कर दें, और जहाँ पे एक करते हैं उसको आधी रोटी कर दें। अगली बात आ जाती है कि आजकल ड्राई फ्रूट्स का मौसम है और डायबिटिक पेशेंट का दिल भी करता है कि वो ड्राई फ्रूट्स खाएं। तो ड्राई फ्रूट्स में ये है कि ज़्यादातर इस्तेमाल आप अखरोट का, बादाम का और काजू का, और जितना आपकी बंद मुट्ठी में जितने ड्राई फ्रूट्स आते हैं आपने उतने इस्तेमाल करने हैं, आपने उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। ख़ासतौर पर मीठी रेवड़ियाँ, गजक या इस तरह के, और बहुत ज़्यादा मूँगफली का इस्तेमाल वो भी आपने ज़्यादा नहीं करना। जब फल फ्रूट की बारी आती है तो फल फ्रूट में आजकल जो है अमरूद बहुत अच्छे आए हुए हैं, अमरूद का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सेब अगर आप पसंद हैं तो, अगर बड़ा सेब है तो वो आप हाफ खाएंगे, और छोटा सेब है तो आप पूरा खाएंगे। जो सिट्रस फ्रूट है मौसम्मी, किन्नू, वो हफ्ते में एक आध दफ़ा एक किन्नू या एक मौसम्मी का इस्तेमाल कर सकती हैं, और जूस गाजर का या मौसम्मी का या किन्नू का वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह आप अगर अंडे आजकल खाना चाह रहे हैं तो अंडे आपने सफ़ेदी खानी है और उसमें से सर्दी निकाल कर खाएं। फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करें कि चिकन या फिश को आप स्टीम करें, उसको डीप फ्राई मत करें।